Good afternoon, students. Class 7, take out chapter number 30. What is the name of the lesson? Echo. Who is the writer of this? This story, Gopal Manduja. Gopal Manduja. Manduja is an Indian Bengali rapper. What is it? Bengali rapper. What is it? Gopal is a Indian Bengali writer. And in this story, who is the main character? This main character is Apu, जो कि अपनी मदर के साथ रहता है. क्या है? अपनी मदर के साथ रहता है और उसके पिताजी की डेथ हो जाती है और उसके पास कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं होता. तो वो स्कॉलरशिप जानने के लिए, स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए वो कहाँ कोलकाता जाना चाहता था, ताकि स्कॉलरशिप से वो क्या है, स्कॉलरशिप से क्या है, वो क्या है, वो फ्री में पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता था. और शिक्षा होती थी मैं मरने से पहले मैं कोलकाता देख लूँ. अब ये क्या है, गोपाल अपनी मदर के साथ रहता है. गोपाल अपनी मदर के साथ रहता है जो बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है. गोपाल कहता है कि बोलते कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, वो कहाँ है, कोलकाता में, और कॉलेज जाना चाहता हूँ कोलकाता को. उसकी इच्छा होती है कि मैं कोलकाता को देखूँ, मरने से पहले कि क्या है, कोलकाता को देखूँ और अपनी स्कॉलरशिप से कॉलेज और ग्रेजुएशन कम्प्लीट करूँ. क्या करूँ? अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करूँ, ग्रेजुएशन कम्प्लीट करूँ. तो फिर क्या बोलते हैं, वो अपनी मदर को बोल के क्या होता है, वो क्या वो सोचता है, उसका एक ड्रीम होता है कि मैं कोलकाता जाऊँ. वो सोचता है कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता रहता है कि क्या बोलते हैं, मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी और वहाँ पर बहुत सारी किताबें होंगी, किताबों की भी बहुत सारी लाइब्रेरी होगी, बहुत बड़ी किताबों की लाइब्रेरी भी होगी और मैं वहाँ क्या है लेट वहाँ पर क्या बोलते हैं किताबें पढ़ूंगा और वहीं पर सो जाऊँगा. और क्या है, वो क्या है, वो ये सब बातें वो अपने कमरे में सोचता रहता है. और उसके घर के पीछे क्या होती है, पेड़ होता है जिससे वो अंधेरा आता रहता है. वो सोचता है और ये सोचता है कि क्या बोलते हैं कि कोलकाता में लोग मर जाते हैं, लोग जल्दी मर जाते हैं, तो भगवान मुझे जल्दी मत मारना, मुझे मेरी इच्छा पूरी करके ही मारना. जब मैं कॉलेज कर लूँ, मैं क्या है कोलकाता घूम लूँ और अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर लूँ, तभी मुझे मौत देना. उससे पहले मौत मुझे मत देना. मेरी इच्छा है मुंबई, सॉरी कोलकाता जाने की. कोलकाता जाना चाहता हूँ और कोलकाता जाना चाहता हूँ और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहता हूँ, उससे पहले मुझे मौत ना आए. ठीक है, यही वो सोचता है. तो वो क्या करता है, उसके एक दिन क्या होता है, उसे क्या मिलता है, फ्रेंड ने लेटर मिलता है, उसका फ्रेंड होता है, उसे उसका लिखा हुआ लेटर. तो मुंबई इतना, सॉरी कोलकाता इतना बड़ा शहर है, और वो क्या है वहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉलेज ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा शहर है. और क्या है, एक दिन उसे अपना फ्रेंड का लेटर मिलता है देखो का, जिसमें उसने लिखा होता है कि तुम अकेले मुंबई कैसे जाओगे. उसमें लिखा होता है क्या बोलते हैं कि क्या वो उस पत्र में देखो के पत्र में लिखा होता है, कोलकाता में मेरे एक चाचा रहते हैं, तुम उनके घर चले जाना. उनके वहाँ पर मेरे चाचा रहते हैं, नाम होता है अखिल होता है. क्या होता है, अखिल बाबू होता है, उसके चाचा का नाम होता है, उसके फ्रेंड के चाचा का नाम होता है. और वो क्या, उसका फ्रेंड क्या करता है, उसे कहता है मैप देता है. उसके पास एक मैप होता है, इसका कोलकाता का मैप होता है. तो वो उसे क्या कहता है कि ये मैप रख लो और ये इसमें मैप रख लो, और साथ में बोलता है कि मेरे चाचा का एड्रेस भी रख लो, मेरे चाचा का पता भी रख लो. तो क्या होता है, रेलवे, तो वो अपने चाचा को, उस चाचा का एड्रेस रख के, चाचा का एड्रेस रखते हैं और क्या बोलते हैं, चाचा का एड्रेस रख के और चाचा का एड्रेस रखता है वो. उसके बाद क्या होता है, और वो मैप भी रखता है, क्या नक्शा भी रखता है, कहाँ मुझे जाना है, कैसे कैसे मुझे जाना है. तो वो मैप
सेमेस्टर के हिसाब से वो क्या है कोलकाता घूमता है, कोलकाता सड़क में जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर उसके बाद क्या करता है वो क्या बोलते हैं अखिल बाबू का पता निकालता है और नक्शे की हेल्प से वो क्या है वो अखिल बाबू को पता कर लेता है, अखिल बाबू के घर पहुंच जाता है। ठीक है, अखिल बाबू उसे पहचान लेते हैं और वो अखिल बाबू को लेटर देता है तो उसको पहचान लेते हैं। तो अखिल बाबू उसे खाना पीना खाते हैं, उसकी जिद खातिर बहुत अच्छी तरह करते हैं और अच्छा खर्च करते हैं। वो छत पे जाता है, छत में से देखता है मुंबई कितना बड़ा, कलकत्ता कितना बड़ा शहर है। तो वो क्या क्या है वो कुछ दिन उसके पास रहता है और वो अगले दिन ही क्या करता है खाना खाने के बाद सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग नाश्ता करने के बाद वो क्या है कॉलेज की तलाश में चला जाता है। तो क्या है कॉलेज की तलाश में चलाता है, कॉलेज ढूंढता है कि कौन से कॉलेज में उसे एडमिशन मिलेगा। तो उसे एक कॉलेज पसंद आता है, वहाँ पर स्कॉलरशिप का भी होता है, तो उसे कॉलेज पसंद आता है, वहाँ तुरंत वो एडमिशन ले लेता है। क्या लेता है वो एडमिशन ले लेता है। तो एडमिशन लेने के बाद वो बड़ा खुश होता है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अब वो क्या है वो जो अखिल बाबू का जो कमरा था वो एक हॉस्टल उसका घर नहीं था, अखिल बाबू का घर नहीं था बल्कि वो अखिल बाबू एक हॉस्टल में रहते थे और बहुत सारे अखिल बाबू की उम्र के लोग वहाँ रहते थे। पर फिर तो अखिल बाबू का घर नहीं था, तो फिर क्या जब उसे एपो को वहाँ पे स्कूल कॉलेज में कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो वो बोलता है कि मेरे को यहाँ रहना एडमिशन मिल गया होता है। तो क्या बोलता है कि फिर उसके कमरे में क्या होता है तीन जने और आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं तीन जने और आ जाते हैं जो उसकी उम्र के नहीं थे, वो अपनी उम्र के लड़के को बुलाते हैं, तीन और आ जाते हैं। तो ऐसे में उसे बड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, उसे क्या आता है कि उसकी उम्र के दोस्त कोई नहीं आ रहा है और मैं तीन आदमी के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अपने उम्र के लड़के के साथ रहना चाहता हूँ, ना ही मेरी पढ़ाई होगी। तो वो क्या करता है तो ये बात ही अखिल बाबू को बताता है। तो अखिल बाबू क्या करते हैं वो क्या करते हैं उसके लिए ट्यूशन ढूंढते हैं वो उसके लिए ट्यूशन ढूंढते हैं। अखिल बाबू से ट्यूशन दिला देता है, क्या है ट्यूशन दिला देता है, ₹15 की ट्यूशन दिला देता है। पर उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहीं कमरा लेकर रहते, पर वो जब अखिल बाबू से ट्यूशन दिलाता है एक प्राइवेट ट्यूटर, वो क्या है देखो प्राइवेट ट्यूटर ट्यूटर से अपना गुजारा करना चाहता था वो इस कलकत्ता में ही कह रहा था जब तक कि कोई काम ना मिले तब तक मैं प्राइवेट ट्यूटर ट्यूशन पढ़ाऊंगा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और अपना खर्चा चलाऊंगा। पर उसके बाद अखिल बाबू से ट्यूशन दिलाते हैं, ट्यूशन दिलाते ₹15 बहुत ₹15 कुछ होते नहीं, फिर भी नथिंग इज बेटर, ना होने से कुछ होना अच्छा है, यही कहावत पे वो काम करना शुरू कर देता है, वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। और कुछ दिनों बाद वो क्या है कुछ दिनों बाद वो अपने कॉलेज के लड़के होते हैं, उनसे उसकी दोस्ती हो गई होती है। दोस्ती होने के बाद वो क्या है अपने कॉलेज के लड़कों के साथ शेयर में रहना रह लेता है। तो वो क्या ढूंढता है वो क्या उम्र के लड़के ढूंढता है, उनके साथ रहना लग जाता है, उनको सूची रहने लग जाता है। तो इस कहानी से क्या होता है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो कि क्या बोलते हैं हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए, अगर हमें किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा हो तो दिल निश्चय हो, हमारे मन में दिल निश्चय हो तो इच्छा हो फीलिंग्स होनी चाहिए, अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर हमें इच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अगर हिम्मत हार गए तो हम जिंदगी में सफलता हासिल नहीं करते। और यही इसमें दोस्ती का भी दिखा रखा है, दोस्ती के बिना क्या है हम अधूरे हैं, दोस्ती होना ही बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल।